सर मुझे बस वही राशन राशन चाहिए था, आप मेरी कोई हेल्प नहीं होती, जिस फैमिली रहते हैं तो 2-3 दिन का राशन था। मैंने भी फेसबुक पे देखा था तो मैं कुछ पैसे बस ट्राई कर लेते हैं, और वो हम लोगों को उसकी नंबर भी लगा लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली हम लोगों को। वो आपके पति क्या करते हैं? सर मेरे पति तो रिक्शा चलाते थे, वो भी सब धंधा पानी बंद है, छोटा सा 1.5 साल का बच्चा है। तो आपको कुछ राशन वगैरह दिला दिया जाए? जी सर, राशन वगैरह मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती, पर हम लोग बहुत परेशान हैं। ने बताया कि हम यहाँ पर अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब ऑटो रिक्शा चल नहीं रहा है, तो इससे हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, और हमारा छोटा सा बच्चा है, इसको दूध की भी दिक्कत हो रही है, और घर में खाने पीने की राशन की भी समस्या हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मेरा बड़ा हृदय पसीज गया कि ऐसे लोगों की तुरंत मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने त्वरित अपने हृदय की, अपने आत्मा की आवाज़ को सुन करके मैंने त्वरित मदद करने की कोशिश किया। फसल चैनल से हमने संपर्क किया और हमें तुरंत 2 घंटे के बाद 3,000 रुपए की धनराशि डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा प्राप्त हुई है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और सुरेश शुक्ला जी का भी, और इस न्यूज चैनल का भी। शिखर तक चैनल के अपील पे डॉक्टर राकेश सिंह ने दी आर्थिक मदद। प्रतापगढ़ पट्टी क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार गुजरात में अन्न को मोहताज। अहमदाबाद ने प्रतापगढ़ के एक परेशान परिवार को बाबू संत बख्श कॉलेज की मदद। शिखर तक के अनुरोध पर बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधक ने दिखाई दरिया दिली। जी, तो क्या मदद आपको मिल गई? जी हाँ सर, हमने शिखर तक चैनल के माध्यम से सुरेश शुक्ला से मदद मांगी थी, तो उन्होंने हमें 2 घंटे के बाद बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन प्रतापगढ़ से डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा 3,000 रुपए की धनराशि प्राप्त कराई, और फिर उन्होंने भारतीय विकास परिषद संगठन उनके द्वारा मदद पहुंची आप तक? सर उनके द्वारा मदद पहुंची थी राशन वगैरह, लेकिन लॉकडाउन के वजह से वो हमारे घर तक नहीं पहुंच सके, बोले कल सुबह हमें 8 बजे तक मदद मिल जाएगी। उत्तर भारतीय परिषद जो है उनको, वो आप तक कैसे पहुंचे? सर वो डॉक्टर राकेश सिंह जी के भाई लगते हैं जी, तो उन्होंने हमें बताया कि कल वो आपको राशन लेके जाएंगे, तो आज लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाए, बट कल सुबह वो हमें राशन देंगे ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब परेशानी आपको दूर हो जाएगी, जो शिखर तक चैनल आप तक मदद भेजी है उससे कुछ राहत आपको मिलेगी? सर कुछ राहत, हमें बहुत राहत मिली है इस लॉकडाउन में। शिखर तक चैनल से हमने संपर्क किया और हमें तुरंत 2 घंटे के बाद 3,000 रुपए की धनराशि डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा प्राप्त हुई है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और सुरेश शुक्ला जी का भी, और इस शिखर न्यूज चैनल का भी, क्योंकि उन्होंने हमें मदद दी है। आज श्री सुरेश शुक्ला जी द्वारा, जो शिखर चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, इन्होंने हमें फ़ोन से बताया लगभग प्रातः 9:30 बजे कि प्रतापगढ़ जनपद के कुछ लोग पूरा परिवार सहित अहमदाबाद में, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर विवेकानंद नगर में वो लॉकडाउन में फंस गए हैं, और वहाँ पर वो इस समय आर्थिक तंगी उनके सामने आ गई है, जिससे वो भुखमरी की कगार पर हैं।
तो उन्होंने हमें अब उनका नंबर दिया। मैंने उनसे बात किया। बात करने पर उन्होंने बताया अपनी समस्या, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तत्काल आपको इसका रिस्पांस करता हूँ। तो हमारे एक मौसेरे भाई हैं डॉक्टर टी एन सिंह जी, जो अहमदाबाद में पेशे से डॉक्टर हैं और उत्तर भारतीय विकास परिषद संगठन के वो अध्यक्ष हैं बापूनगर के, उनको मैंने फ़ोन से सूचित किया और उनको उस परिवार का मैंने नंबर दिया। तो श्री टी एन सिंह जी ने जब फ़ोन से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं तत्काल व्यवस्था उपलब्ध करा रहा हूँ, लेकिन संजोग से वो हॉट स्पॉट जोन है और वहाँ 10 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है। कोई भी चीज़ बाहर से कोई न तो ले जाके अंदर जा सकता है, न तो अंदर वाला बाहर आ सकता है। तो इस स्थिति में कल के लिए उन्होंने कहा कि कल ये इनको मैं भोजन पानी की व्यवस्था करा सकता हूँ, लेकिन उनको अभी तुरंत की ज़रूरत थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने उस परिवार से कहा कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए और मैं तुरंत आपके खाते में कुछ धनराशि डाल देता हूँ ताकि आपकी मदद अभी तुरंत हो जाए और सुबह वे लोग अपना आपको अन्य सामग्री भोजन की वो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उन्होंने अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नंबर दिया, अकाउंट नंबर, और फिर मैंने उनके बैंक के खाते में 3,000 रुपये की धनराशि मैंने तुरंत उनको उपलब्ध कराया। और ये जो श्री सुरेश शुक्ला जी हैं, जिनका ये शिखर चैनल है, इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, इनके पास तमाम फ़ोन अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, तेलंगाना, दिल्ली, बहुत सारी जगहों से फ़ोन आते हैं और ये तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इनके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि इस वैश्विक महामारी की इस आपात स्थिति में जिससे जो बन पड़े उसको मदद करनी चाहिए, और ये बेचारे अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, मदद करवा रहे हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ।